बात करते हैं भारत की सीमा की दो तरह की सीमाएं हैं भारत की। की एक तो है स्थलीय सीमा, जो ऊपर तरफ हम विभिन्न देशों के साथ शेयर करते हैं एक है हमारी जलीय सीमा जलीय सीमा जो है उसमें यहाँ तो अरब सागर है अरेबियन सी यहां पर है बंगाल की खाड़ी स्थलीय सीमा की अगर हम अच्छा द्वीप समूह जो है उसमें भी हम जलीय सीमा देखते हैं स्थलीय सीमा की अगर हम आ, देखें तो फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर राउंड फिगर है स्थलीय सीमा की दूरी है पर एग्जैक्ट फिगर्स में यदि देखें तो पंद्रह हजार एक सौ छह पॉइंट सात किलोमीटर है ये एग्जैक्ट फिगर जो है ये कम ही पूछा जाता है जनरली एनसीआरटी वगैरह में जो दिया जाता है वो है पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर स्थलीय सीमा के बाद अगर हम तटीय सीमा या जलीय सीमा देखें भारत की तो उसका इतना किलोमीटर में विस्तार है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर इंडिया का पूरा प्रायद्वीपीय भाग तटीय सीमा रखता है या कोस्टल बॉर्डर रखता है उसके बावजूद तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो आप देखिए स्थलीय सीमा की तुलना में भारत की जो जलीय सीमा है या तटीय सीमा जस्ट आधा है ऑलमोस्ट हाफ है उसका कारण क्या है जबकि पूरा साउथ इंडिया जो है या पूरा पेनसुलर इंडिया दोनों तरफ से सागरों से घिरा हुआ है उसके बावजूद इतनी कम तटीय सीमा का कारण क्या है कारण यह है कि भारत की तटीय सीमा बिल्कुल सीधी है ऐसे ऑलमोस्ट ज्यादा ऐसे घुमाव नहीं अगर भारत की स्थिति इस तरह से होती कि कोस्टल बॉर्डर में बहुत सारे घुमाव होते ऐसे 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 इस तरह से होता इंडिया मान लीजिए ऐसे 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 घाम के तो ये तटीय सीमा बहुत लंबी हो जाती है पर ऐसा है नहीं भारत की तटीय सीमा जो है बिल्कुल सीधी है इसमें घुमाव और ऐसे मोड़ जो है वो कम है उसकी वजह से हमारी तटीय सीमा की लंबाई लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है जितनी स्थलीय सीमा की है क्योंकि हमारी स्थलीय सीमा अगर आप देखोगे कई जगह और मुड़ी हुई है तो इसलिए उसकी लेंथ बढ़ जाती है तटीय सीमा की इतनी लेंथ नहीं है अब तटीय सीमा जो है कोस्टल बॉर्डर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक तो मुख्य भूभाग मेनलैंड का कोस्टल बॉर्डर दूसरा ये आइलैंड्स जो है द्वीपों का तटीय सीमा इसको भी जोड़ा जाता है तो दो पार्ट्स में इसको यदि डिवाइड करें तो देखिए तटीय सीमा में मुख्य भूभाग की जो तटीय सीमा है वो 5,422.6 किलोमीटर है ये तो एग्जैक्ट फिगर्स हैं। अगर देखें तो एनसीआर वगैरह में जो राउंड फिगर में दिया जाता है डेटा वो है इकसठ किलोमीटर तो आप आमतौर पे जो आंसर वगैरह लिखते हैं तटीय सीमा के बारे में कहीं पर तो आप उसमें जनरली ये लिखते हैं कि इकसठ किलोमीटर लंबी 6,100 किलोमीटर लंबी जो तटरेखा है भारत की इस तरह से लिखा जाता है तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है आईलैंड की जो तटीय सीमा है वो कितनी है 2094 किलोमीटर द्वीपों की है जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह जो है वो सम्मिलित है अब स्थलीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं वो देखिए राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ने आ, ये उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश बिहार सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल असम और मेघालय ये ये सीम, स्थलीय सीमा वाले क्षेत्र में जो राज्य हैं उनके नाम हैं अब स्थलीय सीमा था हम कौन कौन से देशों के साथ बनाते हैं वो भी जानकारी आपको होनी चाहिए तो देखिए स्थलीय सीमा था हम बनाते हैं पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ बहुत थोड़ी सी ये वाला ये अफगानिस्तान के साथ फिर है चाइना चाइना के अलावा भूटान नेपाल और बांग्लादेश और म्यांमार इन देशों के साथ हम स्थलीय सीमा बनाते हैं सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लैंड बॉर्डर जो है इंडिया बांग्लादेश के साथ बनाता है और सबसे कम लैंड बॉर्डर इंडिया बनाता है अफगानिस्तान के साथ तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छा ये जो डेटा है नंबर ये याद नहीं भी होते तो भी चलेगा बट सबसे ज्यादा किसके साथ बनाते हैं और सबसे कम किसके साथ बनाते हैं और एटलीस्ट इनके देशों के सीक्वेंस नाम आपको ध्यान होना चाहिए तो ये हुआ आसपास के हमारे जो पड़ोसी हैं। अब अलग अलग पड़ोसियों के साथ जो हमारी सीमा है उसके डिफरेंट नाम है जो लाइन है हमारी बॉर्डर लाइन उसके डिफरेंट नेम्स हैं उनको देखते हैं तो देखिए रेखा इसको कहा जाता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो यहाँ पर ये जो है इसे दूर रेखा कहते हैं रेड क्लिफ लाइन किसको कहते हैं जो हमारी पाकिस्तान के साथ सीमा है पहले बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान था इसलिए बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो भी क्या कहलाती है रेड क्लिफ लाइन कहलाती है मैकमोहन रेखा कहा जाता है चीन के साथ जो हमारी सीमा है उसको अब देखिए सीमा वगैरह से रिलेटेड अगर आपको तथ्य पता हो जानकारी हो गई है तो एक और चीज ध्यान से देखिए यहाँ आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो देख रहे हैं मेघालय त्रिपुरा मिजोरम इनको यदि आप ध्यान से देखेंगे ये तटवर्ती क्षेत्र पर नहीं है जो स्टूडेंट्स अच्छे से मैप को स्टडी नहीं करते हैं उनको लगता है यहाँ इंडिया खत्म हुआ यहीं दुनिया खत्म हो गई यहीं बंगाल की खड़ी शुरू हो गई ऐसा नहीं होता हमारे आगे यहाँ बांग्लादेश वाला हिस्सा भी है और इसी वजह से त्रिपुरा मिजोरम मेघालय जैसे जो राज्य हैं वो बंगाल की खाड़ी को नहीं छूते हैं नहीं टच करते ये आपको ध्यान रखना है तो ये हो गए हमारे पड़ोसी देश अब देखिए तटीय सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं कोस्टल बॉर्डर पे कौन कौन से स्टेट्स हैं उसमें है गुजरात दमन और दीव महाराष्ट्र अच्छा दमन और दीव जो है केवल यही यूनियन टेरिटरीज़ में कोस्टल रीजन पे है दादरा नागर हवेली अंदर है आंतरिक भाग में गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र पर फिर गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु पुडुचेरी पुडुचेरी के जो चारों पार्ट है वो कोस्टल रीजन पे हैं आंध्र प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल और उसके अलावा ये हमारे द्वीपीय समूह तो हैं ही कोस्टल रीजन पे अब सबसे ज्यादा बड़ी तटीय सीमा जो है वो कौन सा भाग बनाता है इंडिया का तो यूनियन टेरिटरीज में देखें तो अंडमान निकोबार और ओवरऑल भी अंडमान निकोबार की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला जो भाग है वो है अंडमान निकोबार और मेन लैंड में अगर हम बात करें मुख्य भूभाग में तो गुजरात सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है सबसे छोटी तटीय सीमा कौन बनाता है दमन और दीव बनाता है अगर आपको यूनियन टेरिटरीज में पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन बनाता है तो वो बनाता है अंडमान निकोबार और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी तटीय सीमा सबसे स्मॉलेस्ट uh, कोस्टलाइन जो है वो बनाता है दमन और दीव राज्यों की अगर बात हो स्टेट्स की तो सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाता है गुजरात और सबसे छोटी बनाता है गोवा में तो ये आपको